by Dallas, make it hurt. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम मैन अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा शुरू हुआ है नशी से। सुबह सुबह काम पर आए हैं और पता चला कि जी लाइट अभी तक नहीं आई हमारे टाउन की। वो डीए उतार के ले गए हुए हैं, उन्होंने बिल उतारा, डीए उतार के ले गए अगले। वो डीए उतार कर लेके जा चुके हैं, जुमे रात वाले दिन के उन्होंने डीए उतारी हुई है, तो लाइट अभी तक नहीं आई। हमारा काम नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला, कोई भी नहीं है। ये बेईमान मजदूर आया हुआ है सिर्फ, मैं अकेला ही हूं बस। एक ये बेईमान मजदूर है, कि ये बेईमान मजदूर है। ये दोनों बंदे हमारे पास हैं सिर्फ। बाकियों को काम पे लगा दिया था मैंने सिटी हाउसिंग में, कि काम चलो जितनी देर तक इधर नहीं चलता उतनी देर तक उधर काम चला लें। तो आज फिलहाल मैं फारिग हूँ, फिर काम क्योंकि चल नहीं रहा सिटी हाउसिंग में, जाऊँगा चक्कर लगाऊंगा, तो घर जाऊंगा आज। घर पे गुजारेंगे सारा दिन, आज शॉपिंग पे जाएंगे। आइजल की शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, उसकी मम्मा बार बार बोल रही थी कि शॉपिंग पे जाना, तो आज चलेंगे उसकी शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी। क्या लाइट बंद है, काम नहीं चला हमारा कुछ देर। रमलाद में सिटी हाउसिंग में चल रहा था, उधर लड़के लगे हुए हैं काम पर, छोड़ आया था उन्होंने, काम चला लिया उन्होंने। तो आज मैंने जाना था शॉपिंग करने के लिए, तो साथ ही बेगम को याद आ गया कि मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, डोमिसाइल वगैरह लेने निकलवाना है, और आइजल का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, हॉस्पिटल जाना है हम लोगों ने, काफ़ी देर से नहीं बनवाया मैंने, तो जाऊंगा पहले उधर जाऊंगा। उधर से पहले बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाना है, डोमिसाइल निकलवाना है बेगम का, और फिर यूनिवर्सिटी जाना है। आज मैं लगा मुझे तो लगा था आज मैं फ्री हूँ, लेकिन बेगम ने काम बहुत ज़्यादा निकाल दिए हैं, तो जाना पड़ेगा, उनके साथ क्या कर सकते हैं। तो गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, साफ हो गई है, जा रहा हूँ मैं अब घर। चलते हैं नाश्ता करते हैं, नाश्ता रास्ते में से करेंगे आज, लेट काफ़ी हो गया, तकरीबन 12 बजे का टाइम है, नाश्ता रास्ते में से करेंगे और चलते हैं फिर। तो नाश्ता हम लोगों ने ले लिया, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे रास्ते में, सुबह सुबह काम करवाना था गाड़ी का भी थोड़ा सा, तो निकल आए हम लोग घर से, नाश्ता ले लिया हम लोग, नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद गाड़ी में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लेट काफ़ी हो गए। तो पहुँचते हैं फिर उधर, लाले अमर हॉस्पिटल जाना है हम लोगों ने, पहले उधर से आइजल का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है। हमारा काम हो चुका है, हॉस्पिटल से हम फारिग हो गए हैं, आइजल मेरे बैठे हुए हैं, इसकी मम्मा जमा करवा रही हैं फाइल वगैरह, तो 15-20 मिनट और लगेंगे, हम फारिग हो रहे हैं। फिर मैंने जाना है लाल उधर ना डोमिसाइल बनवाने के लिए बेगम का, डोमिसाइल बनवाने के बाद फिर हम जाएंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में काम ज़्यादा ज़रा थोड़ी देर लग जाएगी। यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं, आइजल मैडम जो है वो सो गई है, रास्ते में आते आते ही हम लोग पहुँच गए थे टाइम से। तो आज है सैटरडे, कोई पता नहीं है कि शायद हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है आज क्लोज हो, डीन्स के ऑफिस जाना था मैडम ने, तो देखते हैं अब क्या बनता है। याद ही नहीं था उन्हें कि आज सैटरडे या छुट्टी हो सकती, मुझे भी नहीं याद था। तो चले बहरहाल, जो भी अब इंतज़ार किया जा रहा है, पार्किंग में बैठे हुए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आज तो सो गई है, तो पता चल जाता क्या बनता है। फिर हमने जाना है अपना खिदमत मरकज में जाना है, फिर डोमिसाइल उधर से निकलवाना है। जैसा कि मैंने बताया था यूनिवर्सिटी बंद है आज, हमें पता नहीं था, तो उधर चक्कर ही लगा हमारा वैसे फजूल में। तो अभी हम लोग खिदमत मरकज़ में पहुंचे हैं डोमिसाइल बनवाने के लिए, आईएसएल सोई हुई है अभी भी, गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से मैं इसे साथ ले आया, डोमिसाइल बनवाने जा रहे हैं। तो खिदमत मरकज़ में भी देखते हैं कितना रश होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो काफ़ी ज़्यादा रश था। अभी हमें रसवाई का ही सामना करना पड़ा, बेगम का डोमिसाइल बनवाया था लेकिन वो गुम हो गया, तो वो नया निकलवाना था डुप्लीकेट, तो इन्होंने बोला है कि आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाएं, क्योंकि कचहरी बाजार कचहरियों के सामने है, तो उधर चलते हैं
छोटी बच्ची को लेके हम घूम रहे हैं साथ में, गर्मी में शर्म ही नहीं है। ये तो इंतहाई खज्जल खुआरी के बाद हम लोग डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुँचे हैं। अब देखते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब हमसे क्या डिमांड करते हैं, कौन से पेजेस उन्हें चाहिए होंगे, कौन सी फाइलें चाहिए होंगी। देखते हैं, दुआ करिएगा कि हमें यहाँ से क्लियर हो जाए और घर चलें फिर हम लोग, देर काफ़ी हो चुकी है। इंतहा की खज्जल खुआरी के बाद हमें बोला गया है कि आप लोग मंडे या ट्यूसडे वाले दिन आएँ और आकर डोमिसाइल ले जाएँ। डिप्टी कमिश्नर में गए, ऑफिस में गए थे, उधर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाया था हमसे और कह रहे थे आप मंडे ट्यूसडे को आएँ और आकर ले जाएँ। तो खज्जल खुआरी के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं, कोई काम भी नहीं सुबह से हुआ हमारा कंप्लीट, और अब हॉस्पिटल आए हैं आइजल मैडम का लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट लेने गई हैं मैं बेगम, तो वो आती हैं तो फिर चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है सुबह से, गर्मी में घूम घूम के बस हो गई है। अब तो चलते हैं मेहर जूस कॉर्नर वाले हैं इधर स्टेट बैंक के बैक साइड में, हम जब भी यहाँ पर आते हैं इस एरिया में तो उनके पास लाजमी जाते होते हैं। आप लोग भी चेक करिएगा, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़े का माशाल्लाह। और ये देखिए आइजल क्या कर रही है, आइजल मस्तियाँ कर रही है आइजल को मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं जी। तो चलते हैं उनकी तरफ, कुछ खाते पीते हैं और फिर घर चलते हैं। हो सकता है शायद कि अब बेगम का मूड बन जाए कि आइजल की हम शॉपिंग भी करनी है अभी, तो शॉपिंग करने चलेंगे, फिर पूछ लेते हैं उनसे आती हैं तो देखते हैं। फिर आइजल ने शॉपिंग करनी है, आइजल आइजल ने कपड़े लेने हैं अपने, आइजल ने ड्रेस लेना है, आइजल ड्रेस लेगा, आइजल का तो पूछ लो। तो आइजल ने कहना हाँ जी बाबा मैं तो लूँगा जी। तो हम लोग मेहर जूस कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं खाना थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए, कुछ खाते पीते हैं। जैसे जूस वगैरह मंगवाया है और उनकी क्रीम चाट मज़े की होती है वो मंगवाई हम लोगों ने, तो ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आता है खा पी कर फिर निकलेंगे। आइजल भी उठ गई है, ये देखें आइजल भी फ्रेश है माशाल्लाह, खेल रही है। इन्होंने फैमिली के लिए हाल अलग बनवाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और बाहर भी सिटिंग है इनकी, जो जेंट्स वगैरह होते हैं जो यार दोस्तों के साथ आते हैं वो भी बाहर बैठ सकते हैं। वैसे इनकी फैमिली गैदरिंग जो है वो अंदर अलग है। लोग फारिग हो गए थे, डोमिसाइल वगैरह अप्लाई कर दिया था, वो मंडे या ट्यूसडे वाले दिन मिल जाएगा हमें। और आइजल का बर्थ सर्टिफिकेट भी हमने निकलवा लिया था, वो भी हमें मिल गया। और यूनिवर्सिटी का काम रह गया, वो फिर किस दिन चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर क्लियर करेंगे। और रास्ते में आते हुए मैडम बेगम को याद आया कि हमने तो शॉपिंग करनी थी, थकी बिल्कुल भी नहीं है, खाते हुए कह रही थी मैं थक गई हूँ, और अब फिर कह रही थी कि मैंने शॉपिंग करनी है। तो हम रुके हैं मॉल में ज़रा शॉपिंग करने के लिए आइजल की, आइजल मैडम को मेरे पास छोड़ा और ख़ुद पत्नी कांग आए हैं। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रही है, तो वही कहावत होगी पंजाबी वाली कि छप्पड़ दे बड़ी मज, शॉपिंग मॉल दे विच बड़ी बुढ़ी, कभी टाइम नाल बाहर नहीं आ सकते ना। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, नामुमकिन है। तो देखते हैं अब क्या बनता है हमारे साथ, हम लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं। आइजल भी बैठी हुई है माशाल्लाह, आइजल रोती नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो ठीक है जी, मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर एंड, सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। तब तक अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।